वज़ीरे ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ और पार्टी की भी यही ख्वाहिश है। डॉलर की असल कदर 200 से नीचे है। पेट्रोलियम लेवी के मामले पर मिफ्ता इस्माइल समेत किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान खुद डील और ढील की पैदावार हैं। वो प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ की ये यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाशी साहब अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी हो और अगले इलेक्शन में ही शुड बी दी यू नो लीड जो है एज प्राइम मिनिस्टर लीड पर्सन पाकिस्तान के लिए। पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, उनको आना भी चाहिए, उनका मुल्क है। इमरान साहब पैदावार ही डील की हैं और ढील की हैं। 1993 में मैंने उनको इन्वाइट किया कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डार साहब मेरी तौबा में कभी भी सियासत में आऊँ। ये मैं इनका बहुत कुछ जानता हूँ। अपने आप की ज़बान को काबू में रखें। अगर मेरे साथ आपने मथा लगाया तो फिर मैं आपका एक एक चीज़ जो है ना वो मैं आवाम को बताऊँगा। हमने कैलकुलेट की है और वो मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, वो 200 से नीचे है। अगर वो 200 से नीचे है तो दैट मीन्स के जो बैलेंस है वो स्पेकुलेटिव एंगल है, वो कोई उससे प्ले कर रहा है। वो अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को 4000 अरब का ये पिछले 4 साल में टीका लग चुका है। ये हमने पीडीएल को कम नहीं किया, हमने इस महीने नहीं लगाई, हमने करीबन इसमें जो लूज कर रहे हैं ना मैं उसके अल्टरनेट उसको जनरेट करके साथ लेके जा रहा हूँ वॉशिंगटन। अच्छा। मैं देखता हूँ मुझे कौन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर साहब भी रिलैक्स करें। IMF कोई आसमान से उतरी चीज़ नहीं है। I have been dealing with them 25 साल से मैं डील कर रहा हूँ।